है, पूरा सुखना लेक का व्यू है ना, यहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक एरिया बोल सकते हो। यहाँ का बर्ड पार्क में पॉइंट है ना, जहाँ से आपको टिकटें मिलेंगी। और एक यानी कि पैरेट्स के लिए तो ऐसा ओपन ही है सब कुछ। कौन सी ब्रीड है ये? मकाओ ब्रीड। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार आज मैं आया था कॉलेज पे, तो थोड़ा सा काम था वहाँ पे, तो कॉलेज का काम तो हो गया। उसके बाद मैं सीधा सुखना लेक पे आ गया। सुखना लेक वहाँ से काफ़ी पास है ना, तो इसलिए मैं कहा यार घूम ही लेते हैं, घूमने का बहाना ही तो चाहिए। तो अभी आया मैं सुखना लेक पे। वैसे तो मेरा प्लान था कि यार यहाँ पे बर्ड पार्क खुला है, मैं बर्ड पार्क को देखने जाऊँ, वहाँ पे बर्ड्स हैं काफ़ी ज़्यादा। तो होते हुए मैं सुखना लेक आ गया। मैं कहा जाते जाते थोड़ा बहुत सुखना लेक भी दिखाई देता हूँ आप लोगों को, जिसने नहीं देखा सुखना लेक दिखता कैसा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे घूमूंगा और उसके बाद निकलूँगा बर्ड पार्क। ही मैं जा रहा हूँ यहाँ के एक ऐसे पॉइंट में ना, जहाँ से आप पूरा यानी कि सुखना लेक के चारों तरफ का एरिया देख सकते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पीक पॉइंट भी बोल सकते हो। तो ये वो, इसे बोलते हैं बैंड स्टैंड, नहीं सकते। बेसिकली होता क्या था कि यहाँ पे या गवर्नर आ गया, कोई भी आ गया बाहर से, तो यहाँ ऊपर चढ़ के देख सकता था चारों तरफ का नज़ारा। तो इसे यहाँ का बैंड स्टैंड बोलते हैं। ये बैंड स्टैंड एरिया, ठीक है। बट आजकल तो आप चारों तरफ का व्यू नहीं देख पाओगे ऊपर से, क्योंकि अब तो आप चारों तरफ का एरिया तो ऊपर से मुश्किल से ही दिखेगा। चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा पेड़ हो चुके हैं, यानी उनकी हाइट ज़्यादा हो चुकी है पेड़ों की, इसलिए अब मुश्किल से दिखता है, ठीक है। और मैं अभी आपको बाकी ये पूरा सुखना लेक का व्यू है ना, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, जितना पानी दिख रहा है, इसको बोलते हैं सुखना लेक। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए और प्लस बोटिंग करने के लिए। ये एरिया है, वहाँ से आप बोटिंग के लिए टिकट्स ले सकते हो। ये इसका मेन एंट्रेंस है इस साइड से। ये पूरा सुखना लेक, लोग बोटिंग कर रहे हैं। तो गाइस ये था सुखना लेक है ना, और इसके बाद मेरा प्लान है कि मैं जाऊँ सीधा बर्ड पार्क की तरफ। गाइस सुखना लेक घूमने के बाद अब मैं आऊँगा बर्ड पार्क में है ना। ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का नज़ारा, ऐसा व्यू है। यहाँ से हमें स्ट्रेट जाना है, देन आगे लेफ्ट लेंगे, वहाँ है बर्ड पार्क। ये तो जस्ट एंट्री साइट है। तो अभी जाते हैं, और यहाँ टिकटें भी लगती हैं, तो टिकट्स लेंगे और फिर हमें एंट्री मिलेगी, जैसा हमें पीछे बताया है। ये पॉइंट है ना, जहाँ से आपको टिकटें मिलेंगी, और ये टिकटों का प्राइस लिखा हुआ है। 30 तो नॉर्मल है बच्चों के लिए, 50 देन 100। जो 100 वाला है आई थिंक इसमें ना जो बर्ड है वहाँ पर इंट्रैक्शन करने को मिलेगा फिजिकली सामने से, और पर 50 वाले में शायद वो केजेस में होंगे। तो दोनों टिकटें लेंगे और देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है ना। सो यार दोनों टिकटें ले लिए, 50 वाली और 100 वाली भी, दोनों में जैसे मैंने कहा था वही डिफरेंस था। एक में आपको बर्ड से फिजिकली इंट्रैक्शन कराएंगे, और एक में नॉर्मल एंट्रेंस है जहाँ पे बर्ड होंगी जो केजेस में है। कुछ कुछ ऐसा मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये। ये नॉर्मल साइड पे है ना, पूरा शेड बनाया हुआ बर्ड्स के लिए, और हर शेड के बाहर आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसमें कि जो अंदर बर्ड है उसके बारे में सब कुछ बताया हुआ होगा। पता नहीं इसमें दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी, पर अंदर है बर्ड्स। कैमरा में देखेंगे तो कुछ ज़्यादा खास बर्ड्स है नहीं, ऐसे दो स्पीशी देखे, एक मैंने बर्गेस और लव बर्ड, जो नॉर्मली आपको घरों पे ही मिल जाती है ना घर, यानी कि ये वो स्पीशीज़ हैं जो लोगों को पेट्स भी रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। जो मेरे को मेन लग रहा है वो है उस साइड वाला एरिया, जो आपको ये जाली दिख रहा है इस साइड, शायद यही है जिसकी 100 रुपये टिकट है, और यहाँ पे फिजिकली इंट्रैक्शन होता होगा मेरे हिसाब से। हाँ अभी आपको आगे चलते हैं। ये भी एक पूरा शेड टाइप बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर देखते हैं क्या है। ये बड़े बड़े शेड्स के अंदर हर किसी स्पीशी के लिए उसके हिसाब से बनाया हुआ है। ये स्वान्स
हंस है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ पूरा, इनको पानी चाहिए तो पानी का पूरा फवारा बनाया हुआ है, छोटा सा पॉन्ड भी बनाया हुआ है ना, कुछ ऐसा दिखता है। आगे देखते हैं कुछ ऐसा, तो वो एकदम लास्ट में पीछे आप हट जैसे देख रहे हो, उनके रहने की जगह काफ़ी अच्छा बनाया। बाहर से देखने पे तो काफ़ी छोटा लग रहा था कि लाइक स्वांस के लिए होगा, पर अंदर काफ़ी बड़ा है। और देखते जा रहा कुछ और, ये डक के लिए, और सारी इन्फॉर्मेशन डक के बारे में यहाँ पे लिखी हुई है, जो भी स्पीशी यहाँ पे है। ये ब्लैक डक, तो इनको देख के पुरानी बात याद आ गई, लाइक जब मैं बहुत छोटा था ना उस टाइम हमने भी बतख रखे हुए थे। स्टार्टिंग से ही ऐसा हुआ कि हमने कुछ ना कुछ पेट घर पे रखा हुआ है, डक थे मेरे पास, डॉग था स्टार्टिंग में भी, और पैरेट भी था, तो इतने सारे बतख को देख के ना वो बात याद आ गई। पर मेरे पास थे वाइट वाले बतख, तो मेरे हिसाब से इस शेड के अंदर सिर्फ इतना ही था। अब जाएंगे नेक्स्ट शेड में, सो अब मैं आ गया नेक्स्ट शेड में। यहाँ भी कुछ ऐसे ही है एंट्रेंस, भारी भारी जंजीरें लगाई हुई हैं भारी भारी, और यहाँ पे है शेड के अंदर पैरट्स, एक दो तीन तीन टाइप की पैरट्स होंगी अंदर, पहली बार इन्होंने लिखा हुआ है। तो देखो शेड, मेरे पैरट्स मैं दिखाता हूँ आपको, यानी कि पैरट्स के लिए तो ऐसा है ओपन ही है सब कुछ, सामने से जा रहे हैं। सो भाई यहाँ पे तो आप अपने रिस्क पे हो, इसने आपको चोंच मार दिया, पंजे मार दिए, बिल्कुल ओपन एरिया में जो पैरट्स आपके बिल्कुल सामने जा रही है, आपके कान के पास से सर के ऊपर से, आप लोग बिल्कुल ओपन एरिया में तो पैरट्स बिल्कुल आपके सामने से जा रही है, आपके सिर के ऊपर से कान के पास से, आप आओगे ना आपको अच्छा लगेगा। ये एरिया अच्छा लगा, अभी तक का सबसे अच्छा एरिया यही लगा। तीन स्पीशीज के यहाँ पे पैरट्स हैं, तीन टाइप के पैरट्स हैं, और तीनों ओपन एरिया में बिल्कुल। ये रही एक स्पेशल पैरेट है ना, यहाँ पे लिखा हुआ कीप साइलेंस, तो ये आपने सिर्फ देखा होगा, आपको मिल जाएगा वैसे शॉप में, ये फेमस है। ये भी बाकी पैरेट्स की तरह ना, जहाँ पे मेरे को पता है ये बोल पाती हैं, इतना साफ नहीं बोलती पर बोल लेती हैं, तो आपको बाहर मिल जाएगा शॉप पे ही मिल सकता है, रखते हैं कई लोग घरों पर भी। और ये भी ओपन में आप देख रहे हो, ये नीचे से कुछ निकाल रही हैं। वाले में तो यही था ना, पैरेट से सारे ओपन साइड पे, अच्छा लगा ये वाला केज भी। अब जाते हैं नेक्स्ट केज में, देखते कुछ और है कि नहीं है यहाँ पे और। सो ये वो एरिया ना विंग वंडर्स, यहीं पे होते जो फिजिकली इंट्रैक्शन वाला है, जो भी है आई थिंक इसी के 100 रुपये चार्जेस हैं, इसी केज ले रखिए तभी। तो यही वाला केज है, इसके 100 रुपये चार्जेस, काफ़ी बड़ी होती है साइज में, उसी के साथ ये फ़ोटो खींचने का चांस देंगे आपको सर, इसी के 100 रुपये चार्जेस है ना। कौन सी ब्रीड है सर ये? मकाओ ब्रीड, ये देख लो, ये था बर्ड पार्क है ना, ये भी हमने घूम लिया, बिल्कुल अनप्लांट था, कॉलेज आया था तो देखा यार अगर खुला हुआ है हमारे स्टेट में बिल्कुल पास में तो क्यों ना घूमा जाए। मैंने जिनको जिनको पूछा था उन्होंने ना किया ना, अब शायद ये वीडियो देख के वो पछताएंगे कि हम आए क्यों नहीं।
कोई बात नहीं, पछताने दो, मैं आ गया, मैंने घूम लिया, मेरे को अच्छा लगा और आप लोग भी देखोगे। तो यार जो भी बाहर से आ रहा है चंडीगढ़ आओगे ना बर्ड पार्क जरूर देखना, बहुत अच्छा व्यू है देखने के लिए। थैंक यू भैया का, भैया यहाँ पे बैठे मिलेंगे आपको ना, यही गाइड करते हैं किस साइड जाना है। यार गाइस बस इस ब्लॉग में इतना ही, आपको मिलूंगा दोबारा नेक्स्ट ब्लॉग में।